हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करवाऊंगी। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज वो पूछ लेना बीच में से ही, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, बाइनोमियल करते हैं, सॉरी मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज करते हैं। देखिए बच्चे, सीक्वेंस एंड सीरीज, सबसे पहले हम हमारे यहाँ पर कितनी चीजें हैं, एपी है, जीपी है एंड योर स्पेशल सीरीज, ठीक है, और एक एचपीवी होती है। क्या है? स्पेशल सीरीज और एक क्या है, एचपीवी है। तो एपी के केस में क्या होता है बच्चे, कॉमन डिफरेंस होता है, फर्स्ट टर्म होती है, और एनएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन एन इंटू डी, माइनस यही वन इंटू डी है ना। और सम यस ऑफ सर एन नंबर क्या होता है बच्चे, एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द एपी, ठीक है। पूरी एपी में सिर्फ यही मात्र चार चीजें हैं। अब हमें ये देखना होता है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो एक अलग चीज है, ठीक है। जीपी देखिए, जीपी में क्या होता है बच्चे, जीपी में फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड एनएथ टर्म कैसे तो निकालते हैं, एनएथ टर्म कैसे निकालते हैं, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस एक वन, राइट। जैसे एंड सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, जल्दी से बताओ। मैम ए इंटू आर रेस टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। ठीक है, मैंने वन माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि मेरे को ऐसे लिखने की आदत है, ठीक है। और बच्चे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए बाय वन माइनस आर, वन कंडीशन माइनस आर आर मस्ट बी लेस देन वन, ठीक है। अच्छा आपको ये थोड़ा सा समझा दूं, अब तो हमने लिमिट पढ़ रखा है ना, पढ़ लिया ना हमने लिमिट। देखो जैसे ही एन इंफिनिटी है, तो अगर मैं लिमिट एन अप्रोचेस इंफिनिटी लगाऊं तो ये चीज तो क्या हो जाएगी, अगर आर वन से छोटा है जीरो हो जाएगी। सो दिस विल बी वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर एंड आर इज लेस देन वन, सो बच्चे दिस विल बी योर जीरो, तो क्या बच गया, ए बाय वन माइनस आर। सो दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, बट उसके केस में क्या होता है, आर मस्ट बी लेस देन वन होता है। समझ में आई इतनी बात यस मैम यस मेरे, मैम सबको कोई डाउट तो नहीं है, ओके नो मैम बच्चे। एचपी क्या होता है, व्हाट इज एचपी, एचपी इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसमें क्या होता है बच्चे, आपका वन बाय एपी वन तो बाय उसमें एपी, ग्लोबल राइट। एरिया में होते हैं। ये एपी में होते हैं, ये किस में होते हैं, एपी में होते हैं, राइट। अब बच्चे यहाँ पर तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं, टू बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है, और जीपी के केस में क्या होता है, मैम बी बी स्क्वायर इज इक्वल इक्वल टू टू, अंडर मैंने रूट टू ए बी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। सेकेंड टर्म बी है, हमेशा सीक्वेंस क्या रहेगा, ए बी सी रहेगा, ठीक है जी, क्लियर है सबको। बस सी। यस थ्योरी पार्ट तो सिर्फ ये है, अब हमें क्या करने हैं, भर भर के प्रैक्टिस करनी है। चलो क्वेश्चन पढ़ो सबके सब, ठीक है। मैं पोल्स लॉन्च करूंगी, उसी में सबको आंसर देना है, और जिससे पूछूंगी वही बताएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि यहाँ पर तो हो जाता है, बट जैसे ही पेपर में जाते हैं उनको समझ में ही नहीं आता, राइट। सोचो इस क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए, जिससे पूछूंगी वही बताएगा कि कैसे सॉल्व करना है। अंजलि बच्चे आप बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मिस न्यूक्लियस वाली अंजलि बताइए। ओके अंजलि गुप्ता आप बता दो कैसे सॉल्व करेंगे। मैम यहाँ पे ना मैंने जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से 9 इंटू एन मतलब निकाल दिया है, जो कि ए प्लस 8 डी हो जाएगा। उसी तरीके से उसको इक्वल टू कर दिया है 13 इंटू ए प्लस 12 डी। अब मैम इनको मैम अभी सॉल्व कर रही हूँ मैं। ओके ठीक है जी, यही अप्रोच रखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यस मैम इफ 9 टाइम्स द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू द 13 टाइम्स द 13th टर्म, तो हमें क्या है, 22nd टर्म फाइंड करनी है। सो बच्चे 9 टाइम्स a9 इज 13 टाइम्स a13, क्लियर है जी इतना, इसको ऐसे यस सर ठीक है। सो बच्चे मैंने मान लिया ए फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस है डी, सो 9 इंटू a प्लस 8 डी, क्यों, क्योंकि nth टर्म क्या होती है, a प्लस ए n प्लस माइनस, एन माइनस वन डी ये तो हम कब से करके आ रहे हैं, कब से करते आ रहे हैं, 10th से, a प्लस 12 डी। सो बच्चे ये कितना हो गया, दिस इज योर 9a प्लस ये कितना आ गया 72 डी, और ये कितना आ गया 13a प्लस कितना आएगा बताओ, 156 डी 156 डी,
अब बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी योर माइनस 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 आ जाएगा ना इधर वाली साइड लेकर, माइनस 84d। एक काम करो, अब यहां से माइनस 4a कॉमन निकाल लो। सो जैसे मैंने माइनस 4a कॉमन निकाला, ये क्या बन गया, a प्लस 21d। सो यहां से a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अरे 22nd टर्म ही तो थी 0, yes, आंसर सेम आया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। बच्चे में आंसर करना है सबको, यस मैम कर दिया। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है, ठीक है। अच्छा जी चलो अब ये सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, श्रेया बच्चे आप आंसर बताएंगे। द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 21, कैसे करेंगे बताओ। मैम पहले 100 में 100 से 500 तक के बीच में 7 से डिविजिबल है वो वाली सीरीज लिख लेंगे, और उसमें से जो 3 से डिविजिबल नहीं है वो हटा देंगे। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले तो क्या करो, 7 से डिविजिबल वाले नंबर फाइंड करो। फर्स्ट तो ये करते हैं, बताइए फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, कैसे करते हैं आपको पता है क्या। देखो बच्चे 100 से बड़ा कोई भी नंबर लो, जो फर्स्ट नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए उसको रखना, ठीक है। बताओ कौन सा होगा वो, 101 होगा नहीं, 102 होगा नहीं, 103 होगा नहीं, 105 होगा, राइट बोलो। 105। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 112। अरे 7 ही तो प्लस होगा हमेशा, क्या होता है प्लस होता जाता है ना। और लास्ट नंबर कौन सा होगा, लास्ट नंबर कौन सा होगा, 497। नंबर डिविजिबल बाय 7, बाय 7 कितना, 497 पक्का। हाँ जी 497 होगा, ठीक है। तो कौन सी सीरीज आ गई, 112 अप टू लेके कहां तक, 497 तक। समझ में आया बच्चे सबको, यस। इट इज एन एपी, सो 497 लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है 105 प्लस एन माइनस 1 इनटू 7, क्यों, क्योंकि डी क्या है 7 है, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। 56 मैम, 57 ठीक है। अब देखो बच्चे, जो नंबर 21 से डिविजिबल है वो पक्का 7 से तो होगा ही होगा, क्यों, 21 के फैक्टर क्या है, 3 एंड 7 है, का मतलब मुझे वो सारे नंबर निकाल लेने हैं जो डिविजिबल बाय क्या है, नंबर्स डिविजिबल बाय 21। बताओ क्या सीरीज होगी, 1 आगे क्या आएगा 100 के बाद से, बताओ 150 तक देखना है ना मुझे, सॉरी 500 तक देखना है ना, जल्दी बताओ क्या होगा फर्स्ट नंबर जो 21 से डिवाइड होगा, 105। फिर 126 लास्ट नंबर बताओ कौन सा होगा 500 से जस्ट छोटा, बताओ 483। एक सेकंड रुक जाओ, मुझे मैंने पोल्स लॉन्च नहीं किया, ये सेकंड क्वेश्चन है ना हमारा। हाँ जी जिस जिसका आंसर आ गया वो पोल्स में आंसर करते जाना। हाँ जी बच्चे बोलो, लास्ट नंबर क्या होगा, 483। सबका इतना आ रहा है क्या, यस मैम, 483 इक्वल्स टू योर 105 प्लस एन माइनस 1 इनटू 21। बताओ बच्चे एन कितना आ गया, एन बताइए मैम, 19। तो बच्चे ये देखो, जितने भी नंबर डिविजिबल बाय 21 है ये ऑलरेडी इसमें है, तो यानी मुझे क्या करना है, इसको n1 मान लो, ठीक है, इसको n2 मान लो। सो कैसे 19 माइनस कर देंगे, बिल्कुल। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, n1 माइनस n2, दैट इज योर 57 माइनस 19। सो क्या आंसर है, आंसर इज 38। बताओ कौन सा ऑप्शन है मैम, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है। पोल्स में आंसर करो सबके सब, फाइन जी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू एपीज, ठीक है, ये बताने कि कितने जो नंबर हैं वो कॉमन होंगे, बताओ कैसे करेंगे। सोचो दो एपीज गिवन है, फर्स्ट है आपकी 3, 7, 11 अप टू सो ऑन 407, और दूसरी है आपकी 2, 9, 16 अप टू सो ऑन 709। दिस इज योर ए वन, मतलब
एपी वन एंड दिस इज योर एपी टू. बताओ कैसे करेंगे. एस वन ले लो, सीक्वेंस ले लो, ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड. बताओ, सोचो कैसे करेंगे. सोचिए बच्चे. अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैं इसकी जनरल टर्म लिख लूं. यस मैम. ठीक है, इस सीरीज की जनरल टर्म क्या हो जाएगी बोलो. थ्री प्लस फोर इंटू एन माइनस वन. मैंने ले लिया फोर एन माइनस वन इंटू एम माइनस वन ले लेती हूँ. ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी जनरल टर्म. और बच्चे देखो ये जो लास्ट दिए हुए हैं ये क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि m मैक्सिमम इतना हो सकता है. अगर m की वैल्यू इससे बड़ी आती है तो हमें क्या है उसको रिजेक्ट कर देना है, और अगर n की वैल्यू इससे बड़ी आती है तो हमें रिजेक्ट कर देना है. इतनी बार समझ में आती है. तो देखो नंबर ऑफ एस वन में बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. 101 है या फिर 102 है बच्चे, ये तो इजी है. 102. S2 में बताओ कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स. दिस इज योर 707 101 102. ठीक है बच्चे, अगर मुझे दोनों में कॉमन टर्म्स निकालनी है, इसका मतलब 3 प्लस 4 इंटू एम माइनस 1 must be equals to your 2 plus 7 into n minus 1. बताओ. तो क्या मुझे यहां से m ratio n नहीं पता चल जाएगा. Yes ma'am. ठीक है, तो बच्चे उसके जो भी pairs बनेंगे उतनी क्या आ जाएंगी number of common terms आ जाएंगी. समझ में आ गया सबको. Yes ma'am. ठीक है देखो solve कर लेते हैं. 1 plus 4m minus 4, ये 2 मैं इधर ले गई हूँ directly. ठीक है, 7n minus 7. ठीक है बोलो. सो दिस इज योर 4m माइनस 7n इज इक्वल्स टू योर माइनस 7 प्लस 4 माइनस 1. कितना हो गया बोलो. माइनस 4. तो मैंने ऐसे लिख दिया 7n माइनस 4m इज इक्वल्स टू योर माइनस 4. फाइन जी. Yes, ma'am. यहाँ से अब वैल्यूज आ जाएंगी कि कितने. अरे ये प्लस लिख लो. सॉरी मैंने वो प्लस के चक्कर में लिखा था. ठीक है, अब यहाँ से क्या है नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे. फाइन. यस मैम. फाइन ओके चलो अब करते हैं. अच्छा बच्चे यहाँ पर आएंगी कैसे ये तो बताओ जल्दी से. मैम एन और एम का रेशियो ले करने का. नहीं वो तो ठीक है, वो तो दूसरी भी चीज है, वो तो हो ही जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ बताओ. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं एन और एम की कोई एक ऐसी वैल्यू सोच लू जिसके लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना. यस मैम. ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू सोच लू तो मुझे वहां से क्या मिल जाएगी, वो भी एक एपी मिल जाएगी. वो भी क्या मिल जाएगी, एक एपी मिल जाएगी. सो जो उसकी लास्ट टर्म होगी वही क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हो जाएंगी. ठीक है चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए. बताइए कैसे करेंगे. इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन द रेशियो देन द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म. बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देख लो, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो फर्स्ट एस एन और दूसरे की एपी का सम ले लिए एस एन डैश, तो वो मुझे दिया हुआ है 3n + 8/7n + 15. इतनी बार समझ में आती है सबको. yes, yes, अब बच्चे देखो मैं ना इसको ऐसे बना लेती हूँ. कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ n by 2 into 2a dash plus n minus 1 into d dash by n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. राइट समझ में आया यार तक, क्योंकि दो में क्या है A और D तो डिफरेंट हो ही सकते हैं. सो ये कैंसल आउट हो गया. इतनी बार समझ में आ गई यहाँ तक. यस मैम. अब मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. सो A डैश प्लस n माइनस 1 बाय 2 इनटू D डैश बाय 2 राइट अपॉन A प्लस
एन माइनस वन बाय टू इंटू डी डैश. ये किस चीज के इक्वल आ गया, 3n प्लस 8 बाय 3n प्लस 15. यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम. बच्चे मुझे किसका रेशियो चाहिए? मैम 7 a डैश 12 अपॉन a 12 का. तो वो क्या लिखा होगा, a डैश प्लस 11 d डैश अपॉन a प्लस 11 d, राइट? यही लिखा होगा ना मैम? ये 7n प्लस 15 आएगा ना इधर, 3n प्लस 8 अपॉन 7 प्लस 15. अरे बच्चे बताओ यहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यस मैम. तो बच्चे मैं एन की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं ताकि ये चीज जो है ना 11 बन जाए, ऊपर नीचे दोनों में 11 बन जाएगी, राइट? यस मैम. 23 एन माइनस 23 पुट करनी है, राइट? बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं जी, उसी टाइम पे बता देते हैं. सो एन मस्ट बी 23. पुट कर दो, ऊपर क्या बन गया, ए डैश 12 अपॉन ए 12, और ये कितना बन गया, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15. इसमें पुट करो n इज इक्वल्स टू 13, तो क्या बन गया, 3 इंटू 23 प्लस 18 बाय 7 इंटू 23 प्लस 15. बताओ क्या आंसर है? 7 अपॉन 16. यस मैम, बी ऑप्शन होगा. पोल्स में आंसर दे रहे हो नहीं दे रहे हो? 7 बच्चों ने वोट किया है मैम. थर्ड आया नहीं है पोल. मैंने कर दिया, देख लो. ठीक है, फाइन जी, यहां तक समझ में आ गया? सो द आंसर इज बी ऑप्शन. क्लियर है? आगे बढ़े अब. यस मैम. बी और 7 रेशो 16 है ना, 7 रेशो. चलो यस मैम, अब करते हैं ये वाला. Suppose that all the terms of an AP are natural numbers. ठीक है? If the ratio of the sum of the first 7 terms to the sum of the first 11 terms. So, यानी S7 upon S11 हमें कितना given है? 6/11. समझ में आया? Yes, ma'am. And the 7th term lies between 130 and 140. So, A7 is lying between 130 to 140. ये दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है जी, बोलो. यस मैम. अब बच्चे यहां पर तो बताने की जरूरत नहीं है ना, कैसे करते हैं? रेशियो ले लो कैसे. ये क्या लिखा हुआ है, 7/2 अपॉन 11/2 ये किस चीज की इक्वल है, 6/6 अपॉन 11. अब बच्चे यहां से देखो, 130 ये a प्लस 60 बी बिटवीन द 140, ये ऐसा आना चाहिए, राइट? तो बच्चे यहां से a इन टर्म्स ऑफ d आ जाएगा. यस मैम. यस मैम, a इन टर्म्स ऑफ d आ जाएगा. तो हम वहां पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इनइक्वालिटी में. बोलो. यस मैम. यस मैम, कर सकते हैं ना? बताओ जल्दी से, बताओ क्या आएगा बच्चे. फर्स्ट इक्वेशन a इज इक्वल्स टू 90. तो a क्या है, 90 है. a इज इक्वल्स टू योर 90. यहां पर पुट किया, सो 15d. सो ये कितना आ गया, d इज बिटवीन, बताओ 15 से अगर किया तो कितना आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना, और n इज बिटवीन 9 पॉइंट समथिंग. क्या होगा बताओ, 8.9. ठीक है, तो d कितना आ गया, 9. क्यों? क्योंकि सारी टर्म्स क्या है बच्चे, नेचुरल नंबर्स हैं, राइट? लेट्स से अगर a 1 है, नेक्स्ट के लिए नेचुरल नंबर के लिए तो d को भी तो नेचुरल नंबर होना पड़ेगा ना. यस मैम. पॉइंट्स में नहीं हो सकता, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही इंटीजर लाई करता है, दैट इज 9. आंसर इज योर 9. समझ में आ गया सबको? यस मैम. यस मैम. दिस विल बी योर 8.66 and this will be your 9.6 something. ठीक है, D is 9. Clear है जी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था. Okay. चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, GP का है ये. If the sides of a right angle triangle are in GP, then the cosine of the greater acute angle is. देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए
बी सी. मैंने मान लिया ये है थीटा वन, ये है थीटा टू, एंड थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, तो मुझे कॉस थीटा वन की वैल्यू बतानी है. बताओ क्वेश्चन पढ़ के इतनी बार समझ में आती है? यस मैम. यस मैम. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर थीटा वन बड़ा है तो ये वाली साइड बड़ी होगी ना, बोलो. यस मैम. है ना. यस. मैंने इसको माना ए, इसको माना बी एंड इसको माना सी. तो बच्चे ए बी सी कैसे हैं? ए बी सी आर इन जीपी. इतनी बार समझ में आ गई. पर अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो यानी इसका मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड जीपी है, तो बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू योर सी ए. मुझे क्या फाइंड करना है? कॉस थीटा वन. कॉस थीटा वन क्या होगा? B by C find करना है मुझे. देख लो, बोलो. Yes, yes, ma'am. मुझे B by C तो quadratic solve हो जाएगा. तो मैं A की value यहाँ पर लिख दूँ, A will be your B square by C. Put कर दूँ यहाँ पर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Answer आ जाएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताओ किसी को कोई doubt है? No, ma'am. Clear है, हो जाएगा? चलो solve करके बताओ क्या answer आएगा. Polls में देखो. Poll launch कर रही हूँ. जल्दी से बताओ. क्वेश्चन नंबर फोर. कॉस थीटा वन ए बाय सी नहीं होगा मैम? कॉस थीटा वन सॉरी ए बाय सी. हाँ मेरे को भी वही लग रहा था. यहाँ पर लिख लेना ए बाय सी लिख लेना. ठीक है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट ठीक है, बस वही ए बाय सी आ जाएगा. बाकी जो एंगल बड़ा होता है ना, उसी के सामने वाली साइड क्या होती है बच्चे? बड़ी होती है. हाँ जी, आंसर दीजिए. सो कॉस थीटा वन विल बी योर ए बाय सी. मुझे ए बाय सी फाइंड करना है. तो और भी बढ़िया, बी स्क्वायर को डायरेक्टली सी ए लिख दो. दिस इज योर सी ए प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, दोनों साइड क्या करो? सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो. सो दिस विल बी योर वन प्लस ए बाय सी प्लस ए बाय सी का होल स्क्वायर. क्या मुझे बताने की जरूरत है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल ले. दिस विल बी योर माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस फोर बाय टू. सो दिस इज योर माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाय टू. बच्चे कोसाइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. दिस इज योर ए बाय सी, पॉजिटिव होगा. सो यानी ए बाय सी की वैल्यू क्या आ गई? वन माइनस वन प्लस अंडर रूट फाइव बाय टू. दैट इज योर कॉस थीटा वन. So, under root 5 minus 1. अच्छा ये है नहीं है तो रैशनलाइज कर लेते हैं. अंडर रूट 5 रैशनलाइज करो. इसको रैशनलाइज क्यों करेंगे? बच्चे नॉर्मल है. अरे ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है ना, इसीलिए करेंगे. अंडर रूट 5 minus 1 by 2. अब क्या करो? अंडर रूट 5 plus 1 अंडर रूट 5 प्लस 1. ठीक है, तो ये क्या आ गया? ऊपर बन गया हमारा 4. 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 1. बच्चे ऑप्शन भी तो देख ले क्या आंसर है. इसको 2 लिख लो. ठीक है, सो द आंसर इज योर ए. क्लियर है जी? यस मैम. यहाँ तक बताओ अगर कोई डाउट है तो. हो गया. अब ये वाला क्वेश्चन करिए. अब ये कौन सा क्वेश्चन है? अभी तक हमने एपी का क्वेश्चन कर लिया, जीपी का क्वेश्चन कर लिया. ये है हमारा स्पेशल सीरीज. स्पेशल सीरीज. ठीक है, उससे पहले हम कुछ थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं बच्चे. देखो, एक होता है एम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीएम. अगर दो नंबर्स हैं पॉजिटिव ए एंड बी, तो ये हमेशा क्या होगा? वैलिड होगा. इसका मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी बाय टू मस्ट बी ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी. समझ में आया? ए एम प्लस बी बाई टू, जी एम क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है. ठीक है जी? यस मैम. एंड कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस हैं, वो देख लो. समेशन एन मतलब सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, वो क्या होता है? एन प्लस होता है मैडम थर्ड एन स्क्वायर का बताओ, फिर एन क्यूब का बताओ. बोलो ये क्या होता है? इसी का ही डबल हो जाता है. राइट, एन स्क्वायर का क्या होता है?
लो एन इनटू एन प्लस वन इनटू एन प्लस वन इनटू एन प्लस वन बाय सिक्स टू एन प्लस वन यस मैम ठीक है सो दिस इज द सीरीज जो कि आपको क्या रखनी है मतलब दिस इज द सम जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं क्लियर है जी चलो अब बच्चे स्पेशल सीरीज में ना काफी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ठीक है जैसे अभी तक हमने सिर्फ एपी का सम देखा है जीपी का सम देखा है ऐसी चीजें देखी है ना पर सोचो कि कोई कहीं पर एक पैटर्न तो है बट वो ना एपी है ना वो जीपी है फिर हम क्या करेंगे अच्छा रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ एपी का रियल लाइफ एग्जाम्पल बताओ हमारी क्लासेस क्या मैम हम 10 टू 11 11 टू 12 जम कर ओके ठीक है हमारी क्लासेस का टाइम बोल सकते हैं कि पहले एक है फिर दो है फिर तीन है फिर चार है राइट दीज आर इन द एपी और बेसिकली हमारी एज भी एपी में ही बढ़ती है एक साल बढ़ती रहती है राइट और बताओ और कोई पैटर्न बताओ जीपी वाला पैटर्न बताओ जीपी का पैटर्न देखा है कभी किसी ने अच्छा एक ना पोंजी स्कीम्स आती थी पहले कि आप क्या करो एक आप मतलब आपने कुछ स्कीम लिया आपने दो लोगों को जोड़ा फिर उन्होंने यस मैम नेटवर्क सिस्टम हां चेन सिस्टम चेन कितने बच्चे ये ना पोंजी स्कीम्स होती है मेनली मतलब हमें ऐसे ऐसे लुभाया जाता है कि आप ये काम कर लो ठीक है सोचो आपने तो सिर्फ एक ही बार दो लोगों को जोड़ा अब जैसे जैसे ट्री बनता जाएगा आपको अर्निंग होती जाएगी राइट ऐसे ही करते हैं ना यस मैम आप दो लोगों को कनेक्ट करो फिर वो दो लोग और दो लोगों को कनेक्ट करेंगे राइट सो दैट इज इन द जीपी है ना जीपी में दिखते हैं ना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी क्या है जीपी का ही एक एग्जाम्पल राइट अब देखो बच्चे ऐसे सीक्वेंस ना कि जो एपी है ना जीपी है लेकिन है क्या है सीक्वेंस है अब मुझे उनकी सीरीज का सम फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जनरल टर्म लिखते हैं देखो एपीजीपी के केस में तो मुझे फॉर्मूला पता है मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बट जब हमारे स्पेशल सीक्वेंस होते हैं उनमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि सीक्वेंस है क्या ठीक है कि सीक्वेंस है क्या अब जैसे ये देखो आप तीन फर्स्ट थ्री टर्म्स दी हुई हैं आपको कोई पैटर्न दिख रहा है मुझे तो एक चीज दिख रही yes, है देखो ऊपर में दो टर्म्स हैं मतलब एक टर्म लिखनी फिर मल्टीप्लाई फिर दूसरा टर्म फिर नीचे में एक और टर्म है यही सीन है ना तीन मुझे पैटर्न क्वेश्चन में बताओ सबको समझ में आती है अच्छा नीचे वाला तो मेरे को समझ में आ रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जा रही है जैसे फोर्थ टर्म होगी तो नीचे में आएगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर बताओ समझ में आया इतना है ना इतना समझ में आ रहा है और ऊपर में मल्टीप्लाई के बाद वाले में भी n प्लस 1 और उसके बाद 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब बताओ यस है ना बस ये फर्स्ट वाला देखो 3 5 7 इसका पैटर्न सोचो क्या होगा मैम 2n प्लस 1 यस मैम एक सेकंड सबको सोचने दो बताओ क्या होगा बच्चे तो एपी है टू डिफरेंस थ्री फाइव सेवन नाइन मैम इसमें मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू पुट करके भी तो मैम जीपी बन मैम ये जीपी बन रही है मैम थ्री प्लस नाइन प्लस एटीन नहीं नहीं बच्चे जीपी नहीं बन रही है एपी है ना थ्री प्लस फाइव अरे नहीं सॉल्व नहीं करना है अच्छा आप सॉल्व कर रहे हो अंजलि जी यस मैम जैसे मैंने ना जीपी मतलब हमें स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला पता है ना तो मैम वो फॉर्मूला यूज करके जीपी बन रही है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं ओके बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल मे भी हो सकता है कि यहाँ तुक्का लग गया वो जीपी बन रही हो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है मैं आपको वही बता रही हूँ एक तरीका बता रही हूँ हमें क्या करना है जनरल टर्म लिखनी है ठीक है आपको पोल्स में आंसर देना जिस जिसका आता जाएगा देखो मैंने देखा ये कुछ इस टाइप का है यहाँ पर तीन चीजों से मिलके बना है इसको तो मैं अगर मैं nth टर्म लिखूं तो n टर्म्स होंगी नीचे सो दिस इज योर समेशन n स्क्वायर बताओ सबको समझ में आ रहा है यस मैम ठीक है और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सिग्मा n क्यूब टू n क्यूब तक तो सिग्मा n क्यूब बताओ समझ में आया यस मैम यस मैम 5 7 जैसा कि श्रेया दिस इज अरे सुनो तो सही दिस इज एन एपी तो बच्चे एक तो आप ऐसे लिख सकते हो थ्री प्लस टू इंटू एन माइनस वन
तो ये क्या बन गया बच्चे, दिस इज योर 3 प्लस 2n माइनस 2, दैट इज 2n प्लस 1, ठीक है। और नहीं तो बच्चे ये ऑड नंबर ही तो लिखा हुआ है, ऑड नंबर ही तो लिखा हुआ 3, 5, 7 ऐसे बढ़ता जाएगा, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों ही ठीक हो प्रिंस, जो आप बोल रहे थे आपने डायरेक्ट बोल दिया, अगर आप एपी लेके भी चल रहे हो। यस मैम, हमने ऑड नंबर टाइप से किया था 2n प्लस 1 से। देखो दो तरीके से सोच सकते हो, एक तो ऑड नंबर के तरीके से सोच सकते हो, एक क्या है एपी के तरीके से सोच सकते हो। समझ में आया श्रेया बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब क्या करो, देखो अंजलि अब देखना बच्चे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2n प्लस 1 इंटू, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाय 6। समझ में आ गया जी सबको? यस। ठीक है फाइन। अब देखो बच्चे इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको इतनी बार समझ में आनी चाहिए n प्लस 1 और n, एक इससे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच जाएगा 2n प्लस 1 भी तो कैंसिल हो रहा है। हाँ 2n प्लस 1 भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ऊपर में क्या बच गया बच्चे n इंटू n टू n प्लस 1 बाय 3, n इंटू n प्लस 1 बाय 4, बाय 4, ठीक है। नीचे में क्या बच रहा है 1 बाय 6, तो ये कितना बन गया, दिस इज योर 3 बाय 2 इंटू n इंटू n प्लस 1। समझ में आया सबको? यस मैम। सीरीज क्या होती है, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस टर्म 3, यही होती है ना, है ना। यस मैम। मुझे कहां तक निकालना है, अप टू 10th टर्म का सम निकालना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ समेशन tn, n इज इक्वल्स टू 1 से 10। बताओ समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। 3 by 2 को आगे ले लो, n इनटू n प्लस 1, कहां से कहां तक, n इज इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक। समझ में आया? यस मैम। इनटू ये क्या बन गया बच्चे, यहीं पर बना देते हैं, दिस इज योर सिग्मा n स्क्वायर प्लस n। अगेन इसका फॉर्मूला लिखो, ये क्या होगा n इनटू 2n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस समेशन n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इनटू n प्लस 1 बाय 2, राइट। और यहां पर क्या पुट कर दो, n इज इक्वल्स टू 10 पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको निकालो और बताओ क्या आंसर आ रहा है इसमें से। 660। सबको समझ में आ गया? समझ में आना ज्यादा जरूरी है। बच्चे और अंजलि जो आप कर रहे थे ना, ये सोचो ये तो आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि ये जीपी बना रहा है, और इसका देखना आंसर सेम आ रहा है क्या, बट सोचो अगर बहुत ही ज्यादा कोई लंबी कैलकुलेशन हो गई तो हम तो दो टर्म्स देख के कैसे बता पाएंगे कि ये क्या बना रहा है, एपी बना रहा है या जीपी बना रहा है। समझ में आई इतनी बात बच्चे? तो हमेशा nth टर्म लिखनी है फिर उसका समेशन लेना है, ठीक है जी। यस मैम। बताओ क्या आंसर आएगा? 660। किस किस का आंसर आ रहा है? 660। द आंसर इज योर सी। काफी आ गया बच्चे आंसर? यस मैम। हाँ जी ओके, सबने आंसर दे दिया। ओके मान्या बच्चे, आज हम स्ट्रेट लाइंस भी रिवाइज करेंगे, चलो आगे बढ़ जाएं। अच्छा था ये क्वेश्चन, तो हमेशा क्या करो, पैटर्न फाइंड करो और फिर वहां से क्या करना है, हमें सम ऑफ एन टर्म्स लिख लेना है। चलिए जी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ जीपी इफ द एम प्लस एनथ टर्म बी ए एंड एम माइनस एनथ टर्म बी बी, देन द एमथ टर्म इज, जीपी की हमें एम प्लस एनथ टर्म दी हुई है, वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, एंड एम माइनस एनथ टर्म है वो बी के इक्वल है, ठीक है। तो बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो मैम। ए इंटू, अच्छा रुक जाओ, आर की पावर, रुक जाइए, मैं ना यहाँ पर फर्स्ट टर्म मान लेती हूँ इज योर जी, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे, जी है, फाइन चलेगा, एंड कॉमन रेशियो इज योर आर। सबको समझ में आ रही है इतनी बात? तो ए इज इक्वल्स टू जी इंटू आर टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन, एंड बी इज इक्वल्स टू जी इंटू आर टू द पावर एम माइनस एन माइनस वन। मुझे क्या फाइंड करनी है, मुझे mth टर्म फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करना है जी इंटू आर टू द पावर एम माइनस वन। समझ में आया? यस मैम।
ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एम प्लस एन माइनस वन प्लस एम माइनस एन माइनस वन. मल्टीप्लीकेशन के केस में पावर एड हो जाती है ना. यस मैम. सो वी विल गेट माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल. So this is your AB is equals to your G square into R to the power 2M. This is your minus 1 plus M minus N minus 1. So N से N cancel हुआ है. ठीक है, इतनी बार समझ में आ गई. तो root ले लेंगे. हाँ जी, क्या ले लेंगे, root ले लेंगे. So this will become under root AB is equals to G into R to the power M minus 1. अरे ये तो mth term ही थी, कितना आ गया under root AB. Under root AB. So what is the answer? Answer is your A. अच्छा ना, objective approach बताती हूँ. समझ ही नहीं आ रहा ये M plus N क्या है, calculation mistake हो रही है. कोई भी GP मान लो, easy सी, कोई भी easy सी GP मान लो, 1, 2, 4, 8 मान लो. मान ले ये चीज, मैंने मान लिया m है आपका 2 एंड n है आपका 4, चलेगा जी? यस मैम. होना चाहिए m बड़ा होना चाहिए क्योंकि m माइनस n कर रहे हैं ना. m मान लो 4 एंड n मान लो 2. नहीं समझ में आता छोड़ो. ठीक है, फोर्थ टर्म क्या है, a आ गया 8 एंड b कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि सेकंड टर्म 2 है ना. सॉरी, यस मैम, m प्लस फोर्थ टर्म कितनी हो गई, सिक्स्थ टर्म होगी ना. m प्लस nth टर्म कितनी होगी, सिक्स्थ टर्म होगी ना. लिख लो ना, 16 इंटू 64. सो a कितना आ गया बच्चे, 64 आ गया. बताओ समझ में आ रहा है? यस. ठीक है, एंड m माइनस n कितना आ गया, 2. दैट इज 32 आएगा ना. 2 क्या तुम जीपी में बच्चे, जीपी है ना, m प्लस nth टर्म बोला हुआ है ना. तो m प्लस n कितना आ गया, 6 आ गया ना. एंड एम माइनस एन कितना आ गया, 32 होगी ना मैम. 8, 16, 32 कह रहे हैं. ठीक है, दिस इज योर 32 एंड दिस इज योर 32. ठीक है जी, क्लियर है? अब बच्चे देखो, मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, मुझे mth टर्म फाइंड करनी है ना, दैट इज योर फोर्थ टर्म. इवन मुझे ये भी देखने की जरूरत नहीं थी, फोर्थ टर्म इज योर 8. ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं. अब a into b, that is your 64, उसका अंडर रूट कितना आ गया, 8 आ गया. लो, फर्स्ट ऑप्शन है आपका. कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा अपार्ट फ्रॉम अंडर रूट ab. क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा, अपने मन से एक ap बन, एक gp बनाओ और m और n की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि m और n की हर वैल्यू के लिए ये चीज वैलिड है. मैंने तो फिर भी 4 और 2 ली है, आप क्या 1 और 2 ही रखो, और भी इजी आंसर आ जाएगा. एक बार वो a is equal to 32 कैसे रखा वो बता दो. अरे बच्चे, GP में क्या होता, a क्या था, m plus nth term थी. m plus n मतलब sixth term, तो sixth term की कौन सी है, 32 है ना बच्चे. Yes ma'am. मैंने GP तो लिखी है, और m minus n कितना है, 2, तो मतलब second term कितनी है, b है. क्लियर है सबको? कोई भी AP मानो, कोई भी GP मानो और values put कर. चलो ये वाला question करो. Sum of all two digits numbers which when divided by 4 yield unity as a remainder. कैसे करेंगे इसको, कोई बता सकता है? अच्छा, मुझे उन सब numbers का sum बताना है, two digits वाले numbers का sum बताना है. जब मैं उनको 4 से divide करूं तो मुझे remainder कितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए? तो बच्चा एक बात बताओ, बेसिकली अगर मैं 13 को डिवाइड करूं तब भी मुझे वही मिलेगा, मैं 17 को डिवाइड करूं तब भी मुझे वही मिलेगा. कब तक मिलेगा, 99 तक? नहीं, 99 तक मिलेगा क्या मैम, 97. ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है? अरे ये क्या है, एपी ओनली, बताने की जरूरत है क्या? नो मैम. कितना आ गया मैम, 22 कैसे आ गया, 22 तो टर्म्स हो जाएंगी ना.
थ्री प्लस नाइन निकाल दिया 22 इंटू ये कितना आ गया, दिस इज योर 110 2, सो दिस इज 11, सो द आंसर इज 1210, सो सी इज द राइट आंसर. क्लियर है जी सबको? यस मैम. चलिए जी ये वाले क्वेश्चन देखिए बच्चे. इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ना SN दिया होता है. देखो N कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जितनी टर्म्स को आपको सम लेना है आप उसको N मान सकते हो. ठीक है, the SN denotes the sum of first N terms of an AP. If S2N is equals to 3SN, ठीक है? एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ी लिखी है क्या? अच्छा देखो हमें इतना गिवन है कि S2N is equals to your 3SN, ठीक है? मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे रेशियो फाइंड करना है. किसका? मुझे रेशियो फाइंड करना है 3N by SN का. राइट चलो स्टार्ट करें. यस मैम. यस मैम. अब बच्चे बताओ कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसको सोच के देखो. मैम पहले जो सम का फॉर्मूला होता है उसको यूज कर सकते हैं. बिल्कुल. और मैम लेफ्ट हैंड साइड में n की जगह 2n लेंगे और राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला होता है. देखो अंजलि जी ऐसे बोल रही हैं, इसको ऐसे सॉल्व करो. ठीक है जी फाइन. मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है रेशियो ऑफ, इसको लिख लेती हूँ, इसको सॉल्व कर लेती हूँ. दिस विल बी योर 2 ऊपर चलाया जाएगा 6n बाय n इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d से n से n कैंसिल. मुझे 6 बाय ये चीज फाइंड करनी है. बताओ इतनी बार समझ में आती है? ठीक है अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व करो इसको. चलिए जी देखो बच्चे ये लिखा हुआ है 2an, ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज योर 2an प्लस 2n स्क्वायर d माइनस n d, बिल्कुल जैसे एकदम बचपन से करते आ रहे हैं ना बिल्कुल वैसे करेंगे. एंड दिस विल बी योर 6an सॉरी 3an, दिस विल बी योर 3an. बच्चे 2 को उधर वाली साइड जाके मल्टीप्लाई ही कर देते हैं. ठीक है सो दिस विल बी योर 4, दोबारा लिख देती हूँ, 4an प्लस 4n स्क्वायर d माइनस 2nd. समझ में आ गया सबको? ये कितना हो गया 3an प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3nd. बताओ मैम 6an नहीं आएगा क्या? मैम 6an दिस विल बी योर, तो ये क्या हो गया बच्चे 2an माइनस n स्क्वायर d माइनस nd इज इक्वल्स टू 0. देख लो सबके सब. तो बच्चे मैंने यहां से n कॉमन निकाल लिया, दिस इज योर 2a, ये हो जाएगा माइनस प्लस 1 इंटू d एंड ये इक्वल है आपका 0 के. बोलो समझ में आ गया सबको? यस मैम. यस मैम. आना तो नहीं चाहिए 0 के इक्वल. एक सेकेंड यहाँ ना कुछ मिसिंग है, 3n के बाद कुछ मिसिंग है, एक सेकेंड रुकिए. मैम हम स्टार्टिंग में n n कैंसिल भी तो कर सकते थे, n by 2 n by 2. हाँ हाँ वैसे भी कैंसिल करके कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो. ओके चलो कैंसिल करके कर देते हैं. एक काम करो ये पूरी अप्रोच छोड़ते हैं, दोबारा करते हैं क्वेश्चन. देखो इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ही देख लेते हैं. ठीक है डायरेक्टली देखो S2N is equals to your 3SN लिखा हुआ है ना, ये चीज लिखी हुई है ना, बोलो. ठीक है तो बच्चे की वैल्यू 1 पुट करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सम ऑफ 2 टर्म्स इज इक्वल्स टू 3 सम ऑफ 1 टर्म. S1 का क्या मतलब होगा, फर्स्ट टर्म ओनली ना. यस मैम. S1 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टर्म ओनली. S2 का मतलब क्या हो जाएगा, a plus d that is your 2a plus d, right? यही मतलब. ठीक है सो बच्चे ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ, जब n की वैल्यू 2 होगी सो दिस विल बी योर S4 इज इक्वल्स टू 3 इनटू S2. क्लियर है? दो इक्वेशन है a एंड d में, दो इक्वेशन है a एंड d में, क्या मुझे a और d की वैल्यू मिल जाएगी, बोलो. yes,
सो 3n बाय sn कितना हो जाएगा, बताने की जरूरत है क्या? अब ये कितना आया था, 2 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d आया था ना, यही आया था ना आंसर? सिक्स, और उसकी वैल्यू निकाल के रख देना, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है जी सबको? यस मैम. यस मैम. ओके चलिए अब करते हैं बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने में हमारा किस चीज का यूज होगा, हमेशा एपी जीपी सॉरी एएम जीएम का क्या होगा, यूज होगा. किसका यूज होगा बच्चे? एएम एंड जीएम का. रिलेशन बताओ क्या होता है, रिलेशन बताइए. एएम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू योर जीएम. मैं करती हूँ, मैं पहले ए क्यूब प्लस वन मतलब ये ले लेती हूँ, ए क्यूब एक नंबर ले लेती हूँ और एक वन नंबर ले लेती हूँ, ठीक है? बोलो. यस मैम. वहां पर आ जाएगा ए क्यूब प्लस वन बाय टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ए क्यूब इंटू वन. बताओ समझ में आया इतना? यस मैम. ठीक है, दूसरा मैंने ले लिया ए स्क्वायर प्लस ए बाय टू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू ए. समझ में आया ऐसे क्यों लिया? क्योंकि दोनों तरफ ए क्यूब बन जाएगा ना. यस मैम. है ना, और आंसर में सिर्फ ए की ए क्यूब है, देख पा रहे हो तो समझ में आ जाएगा. अब इनको एड कर दो बच्चे, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, ए क्या है ग्रेटर देन जीरो है, तो इनइक्वालिटीज के साइन की चिंता मुझे अब नहीं करनी. बोलो. यस मैम. तो इनइक्वालिटीज के साइन चेंज नहीं होंगे ना अगर मैंने ऐसे कर दिया. सो दिस विल बी योर अंडर रूट ए क्यूब, फिर क्या हो जाएगा बोलो, प्लस अंडर रूट ए क्यूब. बताओ इतनी बात समझ में आ गई? डायरेक्टली लिख दो 2a क्यूब. बोलो. यस मैम. ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स फिर भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, क्यों? पॉजिटिव नंबर ही तो है, नेगेटिव के केस में होता है ना इनइक्वालिटी चेंज होती है. सो दिस विल बी योर अंडर रूट सॉरी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू योर 4a cube. That is your 16a cube. बच्चे C है. बच्चे वैसे भी आपको यहाँ तक करने की जरूरत ही नहीं थी, ऊपर में भी a cube बन रहा था, यहाँ पर भी a cube बन रहा था, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें a cube है. समझ में आ गया? क्लियर है जी, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम. चलो अब ये वाला देखो, अगेन क्या है, स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है. किसका है? स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है. बच्चे अब बताओ कैसे करेंगे इसको. अगेन क्या लिखा हुआ है बच्चे, देखो इसको भी ना जनरल टर्म लिखेंगे. हाँ, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर बाय, ये क्या है एपी है ना नीचे, एक सेकेंड, 3 इंटू टू आएगा ना, दैट विल बी योर 6. सो दिस इज योर 6 इंटू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अपॉन कितना, 5. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो बच्चे जनरल टर्म क्या आ जाएगी बताना. मैम स्क्रीन पॉज हो गई आपकी, एक सेकंड रुकिए. आ गई. हाँ बताइए, nth टर्म क्या लिखेंगे बच्चे, कोई बता सकता है? 3n. देखो 3 का टेबल चल रहा है ना, देखो फर्स्ट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखना फर्स्ट टर्म को हम ऐसे लिख रहे हैं, 1 को वी आर राइटिंग 3 इंटू वन स्क्वायर बाय 3, राइट? एंड 6 को हम लिख रहे हैं 6 इंटू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर बाय 5. देख तो बच्चे nth टर्म कितनी आ गई, ये है 3 इंटू समेशन n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस 5. सबको समझ में आ रही है इतनी चीज? यस मैम. यस मैम. श्रेया आपको समझ में आ रही है बच्चे? यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 3n इंटू n into n plus 1 into 2n plus 1 by 2 into 10 plus 1. So, एक सेकेंड, by 6. So, this will be your next. बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? So, this is your n cube plus n square by 2. ठीक है? So, sum क्या जाएगा? Summation n cube by 2 plus summation n square by 2. क्लियर? इसमें से 1 by 2 कॉमन नहीं ले, वो मतलब साइड में सेम ही है, सेम ही चीज है, मैंने बस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट करके लिख दिया. कहां तक जाना है? 15 तक जाना है. सो दिस विल बी योर n
इनटू एन प्लस वन अपॉन फोर स्क्वायर वन बाय टू लो आगे ले लो प्लस एन इनटू एन प्लस वन इनटू टू एन प्लस वन बाय ट्वेल्व अरे वन बाय टू कॉमन ले लिया ना अब पुट कर दो एन इज इक्वल्स टू 15 बताओ क्या आंसर आ जाएगा दिस विल बी योर 7820 15 इनटू 16 बाय 2 होल स्क्वायर ठीक है प्लस 15 इनटू 16 इनटू 31 बाय 6 बताओ क्या आंसर आ रहा है मैम 7820 डी सबका आंसर आ गया यस मैम अच्छा एक सेकेंड इसको कैंसिल करेंगे दिस विल बी योर 8 तो ये क्या बन गया दिस विल बी योर 120 का होल स्क्वायर सो 120 का होल स्क्वायर 14400 ठीक है एंड इसको देखो दिस विल बी योर 2 एंड दिस विल बी योर 5 एंड दिस इज 40 इनटू 31 सो 0 यहां पर आ गया 40 इनटू 4 इनटू दिस 12400 ठीक है सो यहां से हमें मिल गया 12 इनटू 04 641 बच्चे क्या आंसर था आप लोगों का कुछ इनटू दिस इज योर 16 15 640 सो द आंसर इज योर 7820 सो द आंसर इज योर डी ऑप्शन क्लियर है जी सबको Yes, ma'am. ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज टू एन टर्म्स बताओ क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से क्या लिखा हुआ है पैटर्न देखो टू फिर फाइव फिर सिक्स तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ फर्स्ट टर्म अगर ये है एन प्लस थ्री कोई भी टर्म देख लो फर्स्ट टर्म में वन प्लस थ्री बाय ठीक है क्या लिखा हुआ है वन इंटू टू इंटू थ्री बताओ कैसे करेंगे इसको जल्दी से बताओ व्हाट विल बी द नीचे का पैटर्न क्या आना चाहिए जो टर्म है उससे एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू सबको समझ में आ रही है इतनी बात यस मैम क्लियर है जी देखो सेकंड टर्म थी तो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है फिर उसके आगे वाले दो फर्स्ट टर्म थी तो वन से स्टार्ट हो रहा है फिर उसके आगे वाले दो है ना तो समेशन n प्लस थ्री बाय n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बताओ कर लेंगे अब हम ये yes, ma'am. हो जाएगा yes, ma'am. कैसे होगा चलो बताओ फिर मैम इसको मतलब हाफ ये वन बोलो बोलो मैम जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन बाय एन एन प्लस वन और इनटू एन प्लस टू और प्लस में थ्री बाय एन एन प्लस वन और एन प्लस टू इसका फिर लास्ट में समेशन कर देंगे इस वाले साइड से एन और एन कैंसिल हो जाएगा ओके ठीक है बच्चे देखो बेसिकली क्या लिखा हुआ है ये इसको नीचे वाले एन से इसको ना ऐसे तोड़ देना दिस विल बी योर समेशन वन बाय एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू समझ में आया सबको एंड yes, मैम यही चीज कह रहे हैं पी बाय एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अब मैम फर्स्ट वाली टर्म का ट्रिपल है ये हाँ जी फर्स्ट वाली टर्म का ट्रिपल बच्चे एन भी तो है ऊपर में तो यहाँ तो एन बाय एन कट गया था यहाँ थोड़ी ना कटेगा ये थ्री बाय एन है ना यहाँ पर तो एन नहीं है कैंसिल है yes, ma'am. Yes, ma'am. हो जाएगा जी अब इसका समेशन फाइंड कर लेना ठीक है चलो अब ये वाला बताओ क्या है ये क्या सीरीज लिखी हुई है बताने की जरूरत है क्या समेशन अपॉन समेशन एन क्यूब अरे ऊपर सीधा डायरेक्टली लिखते हैं एन इंटू एन प्लस वन बाय टू सो ऊपर गया क्लियर है yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine? Okay. Yes, ma'am. चलो जी अब ये वाला क्वेश्चन करो लेट एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 एंड एक्स क्यूब इंटू वाई टू द पावर 4 इंटू जेड टू द पावर 5 इज दिस देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज 12 अरे फाइंड क्या करना है नहीं ये कुछ गलत है यहाँ पर इज इक्वल टू समथिंग इसको फाइंड करना होगा x के प्लस y को प्लस z आना चाहिए था उसको छोड़ दो ये वाला क्वेश्चन करते हैं फाइव नंबर्स आर इन ए बी हुज सम इज
25 and product is this. If one of these five number is minus 1 by 2, the greatest number amongst them is. ये तो कर ही सकते हैं बच्चे. एक्चुअली ना वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये वाला जो था ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था. इसमें क्या हो गया, ये इसका आंसर 12 आएगा. ठीक है, अगर जिसको करना भी होगा ना तो वो ये घर पे प्रैक्टिस कर सकता है. अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लास्ट में कर लेंगे. ठीक है, यस मैम. चलो बताओ कैसे करेंगे. पांच नंबर है, ठीक है, इसमें a माइनस 2d, a माइनस d ऐसे ही लेंगे और मैम ऐसे a की वैल्यू 5 आ जाएगी. a माइनस 2d, a माइनस d, a a प्लस d, बड़ा इंटेलिजेंट वैल्यू a प्लस 2d. ये मैंने टर्म्स ले ली तो सम क्या आ गया यहाँ से, सम इज योर 25. 5 a इक्वल्स टू 25, a की वैल्यू 5. a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 5. आपको समझ में आती है इतनी बात? यस मैम. ठीक है, अब अगर ये चीज है तो इनका प्रोडक्ट देखो. प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, और ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 4d स्क्वायर इंटू 25 माइनस d स्क्वायर. क्लियर है जितना? यस मैम. किस चीज के इक्वल है, 2520 के इक्वल है. ठीक है, यस मैम. तो बच्चे क्या मुझे यहाँ से d की वैल्यू पता चल जाएगी? यस मैम, यस मैम जाएगी. और हाँ, d की वैल्यू पता करनी है और यहाँ पर मुझे ये चीज दी हुई है, इसका क्या यूज है ये अभी हम देखेंगे. सबसे पहले आप मुझे d की वैल्यू बताइए सबके सब. d की प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 11 बाय 2. प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 11 बाय 2. तो प्लस माइनस 1 तो मेरे को मुझे लगता है हटाना पड़ेगा. क्यों, कोई बता सकता है? यस मैम. क्यों, बोलो बोलो बोलो. क्योंकि मैम ये जो नंबर दिया वो देखो देखो उसमें लिखा हुआ है कि हमें अपॉन में 2 नहीं मिलेगा किसी के भी नीचे, मतलब माइनस नहीं मिलेगा. प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 11 बाय 2. अगर एक टर्म माइनस हाफ है तो बच्चे डी तो कभी भी ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए है 5 और डी है ये तो हमेशा नेचुरल, ये तो हमेशा इंटीजर्स देंगे. ठीक है, क्या देंगे, इंटीजर्स. यहाँ पे डी प्लस माइनस 1 और ये कैसे निकालेंगे, मतलब हम इजी मेथड क्या होता है इनको सॉल्व करने का? बच्चे कुछ नहीं, डी स्क्वायर को मान लो कितना टी के इक्वल मान लो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो लिखी हुई है. फैक्टराइजेशन से मतलब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो गया. हां, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो जाएगा और वैसे भी ये 25 से यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा ना बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो लिखी हुई है. तो डी मस्ट बी योर प्लस माइनस 11 बाय 2. यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है मैम, 16 आंसर आ रहा है. अरे एक सेकंड रुक तो जाइए. और डी आपका क्या होगा सोचो, माइनस हाफ ले या फिर प्लस हाफ ले, सेम ही बात है. अगर माइनस हाफ लेंगे तो ये वाली टर्म्स आ जाएंगी, सॉरी ये वाली टर्म्स बन जाएंगी. जब प्लस हाफ लेंगे तो ये वाली टर्म्स ये बन जाएंगी. क्लियर है? ठीक है, तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, a प्लस 2d या फिर a माइनस 2d, डिपेंडिंग आप d की वैल्यू क्या देख रहे हो. सो 5 प्लस 2 इंटू 11 बाय 2 तो कितना आ जाएगा बताओ, 16. आंसर इज योर d ऑप्शन. क्लियर है जी? अब कोई बोले कि नहीं मैम मेरे को तो ना माइनस लेना है, अगर माइनस लेना है तो ये वाली टर्म सबसे बड़ी होगी. सो माइनस 2d, सो दिस इज योर 5 माइनस 2 इंटू माइनस 11 बाय 2, राइट, दिस विल बी योर माइनस 11 बाय 2, अगेन दिस इज 16, सो द आंसर इज डी. क्लियर है जी सबको? यस मैम. कोई डाउट हो यहाँ तक? देख लो जितने भी हमने किए हैं इनमें से किसी में भी डाउट है तो पूछ लो. ये वाला बच्चे या घर पे कर लेना होमवर्क में, या ये भी बताना है. चलो बता देते हैं. देखो बच्चे, लेट एक्स वाई जेड बी द पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, ये इतना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 12 है. मुझे क्या बताना है, और मुझे ये पता है एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 जेड टू द पावर 5 इज योर 0.1 इंटू 600 क्यूब. ठीक है जी, मुझे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है. कोई बता सकता है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, बता सकता है कोई? अच्छा बच्चे देखो, यहाँ पर am is greater than gm वाले अगर हम चीज लगाने की कुछ सोचें तो सोचो कुछ आएगा, बोलो. दो दो नंबर करके लेंगे,
एक्स प्लस वाई बाय टू, वाई प्लस जेड बाय टू, जेड प्लस एक्स बाय टू, बताओ. यस मैम. ठीक है, क्लियर है जी. फिर वहां से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा. चलो आगे बढ़े. अब इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है, इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना. नो मैम. ओके, इस क्वेश्चन में ये भी हम डिस्कस कर चुके थे. ओके, ये वाला भी हमने कर लिया. ठीक है, ये वाला भी हमने कर लिया. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, हाँ जी बताइए. बिल्कुल सब्जेक्टिव अप्रोच से चलते हैं, बताओ कैसे करेंगे. अच्छा अंजलि, आप उस टाइम पे कुछ बता रहे थे कि मैम हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, बताओ कैसे करना था. ओके, 2n by 2 into 2a plus 2n minus 1 into d is equals to your 3 into n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. बताओ बच्चे अब क्या करूं. मैम n by 2 cancel. n by 2 cancel. ओके, सो 4a plus your 4nd minus 2d is equals to your 6a plus 3nd minus 3d. ये बन गया, बोलो. यस मैम. तो यहां से बताओ क्या मिलेगा हमें. 2a is equals to n plus 1 into d. 2a minus nd minus d equals to 0. d is equals to 0. तो क्या आ गया, 2a plus n minus 1 into d is equals to 0. पहले भी हमारा वही माइनस होगा ना, 2a minus n plus. Yes ma'am, मैंने अंदर है. मैं अपने n को 2 से काट दिया. एक सेकंड रुक जाओ, 2 से नहीं कट किया बच्चे. 4nd minus 2d, this will be your minus 3d. यहां तक तो ठीक है. So 2a यहां पर गया, this will be your minus nd and this will be your d. हाँ जी बताओ, इतनी बार ठीक है. Yes ma'am. ये चीज बोल रहे हो ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है. नहीं बच्चे. अच्छा मैम, अब हम S3N और Sn में ना जो 2a की वैल्यू पुट कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा. हाँ जी हाँ जी. 2a, n से तो n कैंसिल हो ही गया था. दिस वाज योर 6a, 6 by 2a plus क्या था, 6 by 2a plus n minus 1 into d था. अब 2a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, n plus 1 d पुट कर देंगे. राइट, पूरे कैसे आ रहे हैं. सॉरी मैम, ये जो सेकंड लाइन में 4a है वो कहां से आ रहा है. बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 into 2a, n by 2 तो ये दोनों कैंसिल हुए हैं ना. अच्छा ठीक है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. मैम 6 आ रहा है, 6 आंसर आ जाएगा. 2a minus nd कहां से. बच्चे यही तो सॉल्व करके किया, इक्वेशन ही तो सॉल्व की है. 4a, ये दो इक्वेशन सॉल्व की. ठीक है, इसको पूरी इक्वेशन को उठा के इधर ले जाओ. सो 2a minus nd minus d is equals to 0 आ जाएगा. बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है ना. यस मैम. यस मैम, हो जाएगा. ओके यस मैम. चलो जी मैम, मेरा आंसर ना इक्वेशन में हो रहा है मैम, एग्जैक्ट 6 नहीं आ रहा है. बच्चे n को 1 पुट करना है. ठीक है मैम, एक बार मेरी इक्वेशन सुनिए. हाँ जी बताइए मैम. 6d multiply 2n minus 1 upon में d upon multiply में 2n minus 1. मैम 6 नहीं आ रहा exact. अच्छा 6 नहीं आ रहा, एक सेकंड रुक जाओ, just give me a minute. बच्चे इसको ना ऐसे करते हैं हम, सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स है ए और डी. ओके बच्चे इसमें ना क्वेश्चन में गड़बड़ी है. अगर हमें ये चीज ऐसे रखनी है तो ये मान लो कि ये एपी के नहीं, ये हम मान लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल टर्म्स है. सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल टर्म्स है, देखो. अदरवाइज इसका ऑप्शन चेंज कर लो, ऑप्शन में यही आएगा जो हम निकाल रहे हैं ना, वही आएगा. दैट इज योर 6 अपॉन 2 into n minus 1 into d. That is your 3 by मैम, लेकिन हमारा रेशियो आ गया 6 आ रहा. एक सेकंड रुको, मुझे पुट करने दो यहाँ पर वैल्यू. बच्चे यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 6 upon n d plus d plus n d minus d. बच्चे कैसे आ रहा है,
डी से डी कैंसिल, एन बाई टू तो पहले ही कैंसिल हो चुका था ना, सो दिस इज योर सिक्स अपॉन टू एन, दैट इज योर थ्री अपॉन थ्री बाई एन डी आ रहा है। अच्छा ठीक है, इसका आंसर 3 बाय एन डी आएगा। अब मैंने इसका क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन हो चुकी है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स ले लो, इसको क्या ले लो, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो बच्चे एस टू एन इज इक्वल्स टू योर थ्री एस एन, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, टू एन इंटू टू एन प्लस वन बाय टू, दैट इज इक्वल्स टू थ्री इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, बताओ। यस मैम। यहां से अब सॉल्व करो, दिस इज योर 4n plus 2 is equals to your 3n plus 3. तो बच्चे यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, समझ गए। दो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, इसका आंसर तो 3 by nd ही आएगा, राइट। एंड ये हमें क्या फाइंड करना है, 3n upon sn, sn का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म ओनली, राइट, फर्स्ट टर्म ओनली, सो 3 into 1 by n into n plus 1 by 2, सो क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, आंसर विल बी योर 3। आंसर कितना है, इसको एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगाया, सॉरी एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने बच्चे, मैंने लिखा है कि ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स है, क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। एस टू एन को लिखा है ना आपने बच्चे, तो वहां पर एस टू एन में एन की जगह टू एन ही तो पुट करेंगे। यस मैम, क्लियर है, बोलो यहाँ। तो बच्चे यहाँ पर ना एक गड़बड़ी थी, इसको चेंज कर लेना, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, अदरवाइज आंसर 3 बाय एनडी ही आएगा। जिसका जिसका आंसर 3 बाय एनडी आया बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, एक और चेंजेस कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम ये ना लिख के एस थ्री एन निकाले तो वो 6 आ जाएगा, इसी क्वेश्चन में अगर हम एस थ्री एन निकालें तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन करके अब ऐसे करके देख लेते हैं। यस मैम। आ गया, अब एस थ्री एन लिखो, दिस विल बी योर थ्री एन बाई टू इंटू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू डी, और नीचे में क्या बन जाएगा, एस एन, दैट इज योर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्या करना, वैल्यूज पुट कर देना, देखो आंसर आ रहा है, देखो बच्चे आंसर आ जाएगा, अब इससे क्या है, 6 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो ये एस थ्री एन सम ऑफ फर्स्ट थ्री एन नंबर्स, क्लियर है जी, इसमें इसमें भी कोई डाउट नहीं था, ओके इसमें कोई डाउट है, ये वाले क्वेश्चन में एएमजीएम वाली सारी थ्योरी क्लियर है, यहां तक तो सारा क्लियर है ना। अब चलते हैं बच्चे हम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि कौन सी फॉर्म क्या होती है, जिसको समझ में आती है बस यस यस करता जाओ जल्दी से, अरे बोलो। यस मैम। यस मैम। मैम नॉर्मल फॉर्म। ओके और क्या रह गई, कौन सी फॉर्म रह गई, पॉइंट फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्म, देख लो। y2 y2 minus y1 upon x2 minus x1 होता है, मैंने ना दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, मुझे ये देखना था कौन रट्टा मार रहा है, ठीक है जी। अच्छा सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये सबको पता है, a plus b plus c by 3, a plus b plus c by 3, if c is the centroid of the triangle जिसके ये vertices हैं, let p be the point of intersection of these two lines, then the line passing through c and p, batao kon bata sakta hai ye question kaise karenge, pehle to c ke coordinates find karke bata do kya aayenge, 3 plus 1 plus 2, so this will be your 6 by 2 comma 6 by 2, ye centroid ke points aa rahe hain, sabke aa rahe hain ji, mam by 3 na, sorry mam 6 by 3, 2 2 aa rahe hain, 2 comma 2 aa rahe hain, jaldi se batao sakte hain। ठीक है जी, फाइन। अब बच्चे इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं फाइंड नहीं करूंगी, जल्दी से बता दो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं।
लाइन लिख देती हूँ, x प्लस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो. जल्दी से बता दो. माइनस वन बाई फाइव और टू बाई फाइव. माइनस बोलो, माइनस वन अपॉन फाइव और टू बाई फाइव. टू बाई फाइव. तो देन द लाइन पासिंग थ्रू द सीपी. तो सीपी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. ये रहे ऑप्शन, उनमें से देख लेना कि लाइन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है. चलो मैं इतना लिख जाती हूँ. देख लो, दिस विल बी योर सीपी लाइन और सीपी लाइन में से पास करता हुआ पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट. माइनस नाइन कॉमा माइनस सिक्स आंसर आ रहा है. माइनस नाइन कॉमा माइनस सिक्स आंसर आ रहा है. चलो, ऑन योर वर्ड्स. The locus of midpoints of perpendiculars drawn from points on the line is equals to x is equals to 2y to the line x is equals to y. इससे पहले कुछ स्लोप से रिलेटेड हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं. अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है बच्चे? माइनस वन. अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप सेम हो जाती है. सेम हो जाती है. The angle between the two lines क्या होता है? हमेशा acute होता है. That is your modulus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Clear है जी सबको? Yes ma'am. यहाँ तक कोई doubt नहीं? ठीक है? No ma'am. The locus of midpoints of perpendiculars drawn from the points on the line टू द लाइन दस थिंग. दो लाइन है, दोनों की दोनों कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है. ठीक है, ये है आपकी y is equals to x and दूसरी क्या है, x is equals to 2. तो बच्चे ऐसी होगी वो लाइन. दिस विल बी योर x is equals to 2y. मुझे क्या फाइंड करना है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स. ठीक है, तो अगर मैं यहां से एक सॉरी इस लाइन से अगर परपेंडिकुलर गिराऊं इस लाइन पर, तो इसके मिड पॉइंट का क्या फाइंड करना है मुझे? लोकस फाइंड करना है. बता सकते हैं कैसे होगा? मैंने मान लिया ये है पॉइंट पी एच कॉमा के. ठीक है, बोलो कैसे करेंगे? हम पहले स्लोप निकाल लेंगे इसकी. निकाल लेंगे मैम इनकी. देखो बच्चे, ये है लाइन y is equals to x. तो ये जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, मैंने इसको मान लिया पी क्यू लाइन. पी क्यू लाइन की स्लोप होगी माइनस वन. इतनी बार समझ में आती है? क्योंकि इसकी स्लोप कितनी? यस मैम. इसकी स्लोप कितनी है? वन है. तो PQ लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी? माइनस वन हो जाएगी. ठीक है, और H कॉमा K इस लाइन पर लाई करते हैं. H कॉमा K क्या है? इस लाइन पर लाई करते हैं. समझ में आया? तो PQ की इक्वेशन क्या हो गई? Y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी, और C के कोऑर्डिनेट यहां से निकल जाएंगे. बोलो, जैसे ही मैं यहां पर पुट करूंगी, C क्या आ जाएगा? H प्लस K आ जाएगा, राइट? So y is equals to minus x plus h plus k. बताओ, this is your PQ line. Clear है यहाँ तक? बोलो. P और h comma k क्या है बच्चे? Midpoint है. किसका? जितने भी perpendicular draw कर रहे हैं. अगर ये x1 comma y1 है and ये x2 comma y2 है, इन दोनों का midpoint क्या है? h comma k है. So h is equals to x1 plus x2 by 2 and k is equals to your y1 plus y2 by 2. इतनी बार समझ में आती है? Yes ma'am. अब बच्चे क्या होगा, जल्दी से बताओ. अब x1 और y1 में भी मुझे रिलेशन पता है, क्योंकि x1 y1 कहां लाई कर रहे हैं? y is equals to x पर. और x2 comma y2 कहां लाई कर रहे हैं? x is equals to 2y पर. तो क्या मैं eliminate करके equation नहीं निकाल सकती directly? बोलो, आ जाएगा ना answer? Yes ma'am. हो जाएगा? Okay. चलिए जी, अब करते हैं. लेट टू पॉइंट्स ए एंड बी. इफ अ पॉइंट एक्स डैश कॉमा वाई डैश बी सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज 5 यूनिट. तो दिस इज योर पी, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर पी. ठीक है, इसका एरिया कितना है बच्चे? 5 स्क्वायर यूनिट्स है. मेरे लास्ट वाले का आ गया 5x is equals to 7y. एक सेकेंड, ये बाद में कर देंगे, पहले एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं बच्चे. ठीक है, 0.2. तो बताओ बच्चे, ये है आपका x डैश कॉमा वाई डैश. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 5 स्क्वायर यूनिट्स है. एंड इट लाइज ऑन दिस लाइन. मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. बताओ कैसे कर सकते हैं? कोई बताएगा?
डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं वो लिख एरिया आ जाएगी एक्स डैश वाई डैश वन वन माइनस वन वन जीरो टू वन दिस इज योर फाइव के इक्वल ठीक है बोलो तो बच्चे यहां से एक्स डैश और वाई डैश में एक इक्वेशन आ जाएगी ठीक है वो लाइन और ये लाइन सेम होगी क्यों क्योंकि एक्स डैश और वाई डैश तो यहां पर भी लाई करता है तो अगर लाइन पेयर करके निकाल लेंगे लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे बताओ सबको समझ में आ गया ठीक है चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस वाई डैश वन प्लस वन इंटू टू इज इक्वल्स टू टेन सो दिस इज योर माइनस थ्री एक्स डैश माइनस वाई डैश एंड दिस विल बी योर माइनस एट इज इक्वल्स टू जीरो सो बच्चे यहां से ये क्या बन गया दिस इज योर थ्री एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस एट इज इक्वल्स टू जीरो तो बच्चे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू के इक्वल एक सेकेंड हाँ जी इतना ही आएगा ना वन इंटू टू माइनस हाँ फाइव स्क्वायर यूनिट्स था माइनस टू आएगी लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस टू तो यहां पर ना ये चेंज कर लेना दिस इज योर माइनस टू सो द आंसर इज सी क्लियर है जी सबको यस से आया यस सर हाँ जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व सबसे पहले तो नॉर्मल कैसे फाइंड करने हैं क्या बताने की जरूरत है क्या पहले टेंजेंट लिख लूं यस बोलो टेंजेंट क्या हो जाएगी किसी भी कर्व पर x x1 माइनस y y1 प्लस 2x y की जगह क्या लिख सकते हैं x x1 प्लस y y1 बाय 2 ऐसे लिखते हैं एक सेकंड ऐसे नहीं 2 इनटू x y1 प्लस x1 y बाय 2 ठीक है बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन में किया हुआ है हमने ये अब x और y, x1 और y1 की वैल्यू 2.2 पुट कर दो तो यहां से मुझे टेंजेंट की स्लोप पता चल जाएगी बताओ जल्दी से टेंजेंट की स्लोप ना बोलो तो नॉर्मल की स्लोप क्या आ जाएगी माइनस वन बाय नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी माइनस वन बाय एमटी और नॉर्मल भी क्या है 2.2 से फास्ट करता है तो नॉर्मल की इक्वेशन पता चल जाएगी समझ में आ गया सबको यस मैम ठीक है 0.0 से उसके परपेंडिकुलर का डिस्टेंस बोलो बोलो रिपीट कर दे एक बार ओके चलो मैं एक काम करती हूँ मैं एक क्वेश्चन ही पूरा का पूरा कर देती हूँ देखो जैसे मैंने इसको 2 पुट किया दिस इज योर 2x माइनस 6y 2 से 2 कैंसिल दिस विल बी योर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 सो 2x इज इक्वल्स टू योर 4y आंसर क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 2y यानी y इज इक्वल्स टू x बाय 2 ये किसकी स्लोप है बच्चे टेंजेंट की है तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी माइनस टू ठीक है तो इक्वेशन क्या हो गई नॉर्मल की y माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू सो दिस इज योर माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस फोर सो y प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल सबको यहां तक समझ में आता है Yes, ma'am. अब मुझे क्या दिखाना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस y प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 0.0 कोई फॉर्मूला था क्या याद है क्या किसी को मैम पॉइंट फॉर मतलब मैम पॉइंट्स पुट करके डिवाइड करेंगे a स्क्वायर प्लस b 0 प्लस 0 माइनस 6 मॉडुलस बाय अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो दिस इज योर 6 बाय रूट 5 यूनिट्स सो अरे 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 कैसे 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 बच्चे यही आंसर आएगा इसका द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द नॉर्मल टू द कर्व यही आंसर आएगा ठीक है जो भी है चेंज कर लेना दिस इज योर 6 अंडर रूट 5 बताओ कोई दिक्कत है यहां तक मैम एक बार टेंजेंट की इक्वेशन दिखाना बच्चे टेंजेंट की इक्वेशन देख लो मैम 4x नहीं होगा मैम 4x इज इक्वल्स टू 4y ओ सॉरी 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 4x इज इक्वल्स टू योर 4y हां जी तो x इज इक्वल्स टू y होगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा हां जी तो माइनस x सो प्लस x थैंक यू बच्चे यहां तक क्या आ गया दिस इज योर प्लस x बाकी सब तो ठीक है दिस इज योर 1 सो दिस इज योर 6 बाय अंडर रूट 2 सो द आंसर इज 3 रूट 2 यस सर
थ्री रूट टू ही आ रहा है ना, क्या इसमें भी गड़बड़ी है? माइनस वन होगा तो ये टू हो जाएगा, माइनस फोर हाँ बच्चे तो दिस विल बी योर फोर, दैट विल बी योर टू रूट टू. क्लियर है जी? तरीका सेम ही है, बस वो हमसे वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी. हो गया जी, कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मुझे क्या फाइंड करना है. अच्छा, हमने एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन देखी है क्या? एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? नो मैम. नो मैम. ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमने पढ़ा है बच्चे. यस मैम. स्ट्रेट लाइंस तो हमने पढ़ा है ना. अच्छा, पहले तो मुझे एक बात बताओ कि कितने एंगल बाइसेक्टर होते हैं बिटवीन टू लाइंस? मैम टू. ओके, देखो बच्चे दो लाइंस हैं, L1 एंड योर L2, ठीक है. अब ये जो एंगल है ये है एक्यूट और ये है ऑब्टिकस. इतनी बात सबको समझ में आती है? तो बच्चे ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा, दिस इज योर ऑब्टिकस एंगल बाइसेक्टर, एंड जो ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, दिस इज योर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड दिस इज योर ऑब्टिकस एंगल बाइसेक्टर. इतनी बात तो समझ में आ रही है ना सबको? यस सर. अब ये क्वेश्चन पढ़ो. For the straight line this, find the equation of the bisector of the obtuse angle between them, bisector of the acute angle between them, bisector of the angle which contains 1, 2. देखो कुछ कुछ बातें कर लेते हैं. सबसे सही तरीका तो क्या होता है, वैसे इसका फॉर्मूला होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस लेवल तक का इस टेस्ट में नहीं आने वाला और ये सारी चीजें हम 12th में जाके भी देखेंगे, ठीक है. देखो L1, L2, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, कोई बता सकता है? क्या फॉर्मूला होता है? हो जाएगा, इतनी चीज समझ में आ जाएगी. टैन थीटा का ठीक है. अब देखो बच्चे, बाइसेक्टर्स की मुझे इक्वेशन निकालनी है. बाइसेक्टर की क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है. तो बच्चे ये पक्का, ये ए कॉमा बी से तो पास होंगी होंगी, बताओ. कुछ भी नहीं आता, लेट से मुझे कुछ भी नहीं आता. मुझे ये थीटा वन मैंने फाइंड कर लिया और एक्यूट फाइंड कर लिया, तो ये थीटा वन टू बना रही है किसके साथ? L2 के साथ. इतनी बात तो समझ में आ रही है. और थीटा टू, थीटा वन बाय टू भी बना रही है L1 के साथ. इतना समझ में आता है? ठीक है. अगर मैं इसकी स्लोप को M मान लू, क्या मान लू बच्चे? M मान लू. इसकी L2 की स्लोप तो मुझे पता ही है, L1 की स्लोप भी मुझे पता ही है, और मुझे थीटा टू भी पता है, तो क्या मुझे M की वैल्यू समझ में नहीं आ जाएगी? बोलो बोलो कैसे? मैं बताती हूँ. देखो पहले तो tan थीटा फाइंड करो, कितना आएगा जल्दी से बताओ. वैल्यूज पुट करो जल्दी से, बताओ कितना आएगा बच्चे. वैल्यूज फाइंड करो. माइनस फोर बाय थ्री प्लस फाइव बाय ट्वेल्व अपॉन वन प्लस फोर बाय थ्री इंटू फाइव बाय ट्वेल्व, ठीक है जी? बोलो. यस मैम. वैल्यू बताओ क्या आएगी यहां पर जल्दी से बताओ. अरे बताओ बच्चे. मैम माइनस नाइन बाय, मैम नाइन बाय एट आ जाएगा मॉडुलस हटा के. मॉडुलस हटा के नाइन बाय एट आ जाएगा. बच्चे दो वैल्यूज आनी चाहिए ना. यस. तो एक क्यों आ रही है? अच्छा प्लस माइनस नाइन बाय एट. यस मैम, मॉडुलस है ना तो. प्लस माइनस नाइन बाय एट. इतनी बात समझ में आ गई श्रेया? बताओ. Yes, ma'am. ठीक है. अगर प्लस है तो एक्यूट एंगल होगा, अगर माइनस है तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा. क्यों? बोलो. क्योंकि tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. Yes, ma'am. प्लस वाले के लिए एक्यूट एंड माइनस वाले के लिए ऑब्ट्यूस. इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. मुझे क्या फाइंड करना है? दोनों बाइसेक्टर्स फाइंड करना है. क्या करना है? दोनों बाइसेक्टर्स फाइंड करना है. अब बच्चे देखो, इन दो लाइंस के बीच में एंगल बाइसेक्टर का क्या काम होगा? कि ये इसको थीटा बाय टू में डिवाइड कर दे, यही काम होगा ना? बोलो. मैंने इसकी स्लोप मान ली क्या? एम मान ली, ठीक है. एल वन और एल टू की स्लोप तो मेरे को पता ही है, ये तो मुझे पता है ना बच्चे. अगर मुझे टैन थीटा पता है तो क्या मैं टैन थीटा टू नहीं निकाल सकती? बोलो. तो मुझे tan theta 2 पता चल गया, तो tan theta 2 किस चीज के इक्वल है? इसकी स्लोप को मैंने मान लिया m1.
m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m इनटू m1. सो यहां से क्या आ गया, एंगल बाइसेक्टर की स्लोप आ जाएगी. समझ में आया बच्चे? और ये कौन से पॉइंट से भी पास कर रही है, a कॉमा b से. तो क्या इक्वेशन आ गई, y माइनस b इज इक्वल्स टू m इनटू x माइनस a. बताओ श्रेया. यस मैम, आ गया. सेम तरीके से एक्यूट का भी वही सीन होगा. ठीक है, अब बच्चे ये थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच कंटेन्स 1, 2. हमें कैसे पता चलता है कि कौन से लाइन पे क्या पोजीशन है पॉइंट की. लेट से दिस इज योर L1 लाइन. अगर ये पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, दिस इज योर 5, 6 एंड दिस इज योर 3, 4. ठीक है, मुझे कैसे पता है कि ये लाइन के एक साइड पे लाई करता है या ऑपोजिट साइड पर लाई करता है. लाइन में इसको पुट कर देंगे. अगर दोनों का साइन सेम आता है तो लेट से कि 3a प्लस 4b, सॉरी हाँ 4b प्लस c, अगर ये लेस देन 0 है और 5a प्लस 6b प्लस c भी लेस देन 0 है. सो उसका मतलब क्या है, दोनों सेम साइड लाई कर रहे हैं. और अगर ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब भी क्या है, दोनों क्या है, सेम साइड लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो हम पहले पहले दो पार्ट्स में क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और फिर वहां से देख लेंगे कि किस में 1, 2 आता है. ठीक है जी. यस मैम. यस मैम. प्रिंस आपको समझ में आ गया बच्चे? बोलो. यस मैम.